आप सभी को जय मसीह की। आज इस वीडियो से हम सीखेंगे कि परमेश्वर लोगों से कैसे बात करता है। आज हमारे मसीही समाज में हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर की बातों को हम सुने, परमेश्वर की आवाज को हम सुने, लेकिन बहुत से वक्त हम समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है। योहन्ना के सुसमाचार उसकी 10वीं अध्याय में और उसकी 3री और 4थी आयत में इस प्रकार लिखा है कि भेड़ अपनी चरवाहे की आवाज को सुनता है और उसकी आवाज को पहचानता है। इसलिए इस वीडियो से आज हम सीखेंगे कि हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुन सकते हैं और कैसे परमेश्वर के मार्गों में हम चल सकते हैं। सबसे पहले परमेश्वर अपने पवित्र शास्त्र के द्वारा हमसे बात करता है। दूसरा तिमुथियुस उसका 3री अध्याय और 16वीं आयत में इस प्रकार लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश के लिए, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। जब भी आप परमेश्वर के वचन पढ़ोगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा। लेकिन हम कैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? क्या महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार, या समय मिला तो ठीक है हम परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे? क्या इस प्रकार हमारी रवैया है तो परमेश्वर हमसे बात नहीं करेगा? लेकिन हमें रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। और इस प्रकार के एक आदत में जब आप आगे बढ़ते हो तो जब आप वचन पढ़ते समय कुछ कुछ आयतें उठकर दिखने लगेगा, आपको ऐसा लगता होगा कि ये वचन आज मेरे लिए है, आज ये वचन ने मुझसे बात किया। और असल में ऐसा है कि वो परमेश्वर खुद आपसे बात कर रहा है। और इस प्रकार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। दूसरा, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करेगा। योहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ सकते हैं कि पवित्र आत्मा जब आएगा हमें सिखाएगा, पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा, हमें स्मरण दिलाएगा, आने वाली बातों को बताएगा। इसका मतलब है पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। और जब हम पवित्र आत्मा के साथ या परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता में आते हैं, रोज हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तब पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। अब हम कैसे पहचानें कि पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है? पवित्र आत्मा जब बात करता है, कभी ऐसा होता है कि आप उस आवाज को अपने कानून से सुन सकते हैं जैसा कोई इंसान आपसे बात कर रहा है, या आप अपने हृदय में महसूस कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर एक बहुत बड़ा इंप्रेशन या बहुत बड़ा सोच को डाल रहा है। कभी कभी हमारे मन में आने वाली विचार, हमारे मन में आने वाली सोच, ये परमेश्वर के द्वारा होता है। और हमारे विवेक के द्वारा भी पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। इसका मतलब है पवित्र आत्मा का बात करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन जितने करीबी रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ है, उतना ही हमारे लिए आसान बन जाता है कि पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है उस बात को समझने के लिए। इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा भी हमसे बात करता है। तीसरी बात, परमेश्वर लोगों के द्वारा बात करता है। बाइबल में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कुछ लोगों को भविष्यवाणी का वरदान देकर कलीसिया में नियुक्त करता है। अब ये वरदान जो है, इसलिए परमेश्वर लोगों को देता है ताकि परमेश्वर उन लोगों से बात करे और परमेश्वर की बात को सुनकर भविष्यवक्ताएं जो है वो लोगों तक परमेश्वर की बात को पहुंचाते हैं। अब हम ये देखते हैं प्रेरितों की किताब उसके 2 अध्याय में ये आयत है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा हर मनुष्य पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। पौलुस भी अपने पत्री में लिखा है इस प्रकार कि भविष्यवाणियों को तुच्छ ना समझो। इसका मतलब है आज भी ये वरदान है और परमेश्वर लोगों के द्वारा अपनी प्रजा से बात करता है। इसलिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। इसके अलावा परमेश्वर ने पासबानों के द्वारा या दास दासियों के द्वारा, अगुओं के द्वारा आपसे बात करता है। परमेश्वर माता पिताओं के द्वारा हमसे बात कर सकता है, हमारे जीवन साथियों के द्वारा हमसे बात करता है। लेकिन हमें हर बात में परखना है कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है या फिर इंसान अपनी तरह से बोल रहा है। लेकिन हमें ये समझना है कि परमेश्वर लोगों के द्वारा भी हमसे बात करता है। चौथी बात, परमेश्वर स्वप्न और दर्शन के द्वारा हमसे बात करता है। अब बाइबल में हम अनेक उदाहरणों को देख सकते हैं जहां पर परमेश्वर ने इस तरीके को इस्तेमाल कर लोगों से बात किया है। पुराने नियम में परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, यूसुफ को सपना दिया, दानियेल से परमेश्वर ने बात किया। इस प्रकार बहुत सारे लोगों के साथ परमेश्वर ने बात किया है। नए नियम में जो है, यीशु के पिता यूसुफ को एक दर्शन रात को मिला था,
कि वो उस जगह को छोड़कर चले जाए। फिर परमेश्वर ने पत्रस को दर्शन दिया, पौलुस को दर्शन दिया, सपने में बात किया। इस प्रकार अनेक घटनाएं हैं जिसे हमें पता चलता है कि परमेश्वर अपने लोगों से स्वप्न और दर्शन के द्वारा बात करेगा। अब प्रियो, हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु आप हमसे स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा बात करना। आप प्रार्थना कर सोएंगे तो परमेश्वर जरूर आपसे बात करेगा। आप दिन भर क्या सोचते हैं वही सपना आप देखते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि हर सपना प्रभु की ओर से है, लेकिन यह भी सच है कि परमेश्वर सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा आपसे बात करेगा। पांचवी बात, परमेश्वर आपके परिस्थिति के द्वारा भी आपसे बात करता है। आपकी परिस्थिति क्या है आपको चेक करना है, और प्रभु उस परिस्थिति में आपको क्या बोल रहा है। काफी बार ऐसे दिखाई देता है कि लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन जो उन्हें मिलना है वो लोग पा नहीं पा रहे हैं। ये एक संकेत हो सकता है कि परमेश्वर आपसे कह रहा है कि प्रभु का अनुग्रह आप पे नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जिन किसी के ऊपर रहता है, जो कुछ वो करते हैं वो सफल होता है। तो आपको चेक करना है कि क्या इस परिस्थिति में प्रभु मुझसे बात कर रहा है कि मुझे सुधारना है या मेरे ट्रैक को चेंज कर मुझे चलना है। हो सकता है प्रभु आपसे ये बात करना चाह रहा होगा। देखिए, दाऊद के जीवन में जब दुख आई, संकट हुआ, तब दाऊद भजन में लिखता है कि जो दुख मेरे जीवन में आया वो मेरी भलाई के लिए था, ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। मतलब परमेश्वर की बातों को सुनकर उसके अनुसार वो चलने लगा, मतलब दुखों के बीच में उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं कि अय्यूब इतने बड़े संकट में थे, उसके सारा धन संपत्ति सब कुछ उसके हाथ से नष्ट हो गया, उसके शरीर में बीमारी आई, लेकिन उसके बीच में भी उसने परमेश्वर की बात को सुन पाया और परमेश्वर की महानता या परमेश्वर की वो ईश्वरीय गुण को जो है वो अपने जीवन में समझ पाया, परमेश्वर की आवाज को वो सुन सका, और वो दूसरों के लिए, अपने दोस्तों के लिए भी वो एक आशीष का कारण बना। मतलब आपकी परिस्थिति आपको सिखाएगा, आपकी परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। पौलुस परमेश्वर से कहता है, प्रभु ये काटा मुझसे दूर कर देना। उसका ऐसा परिस्थिति था कि वो परमेश्वर की सेवा करता था लेकिन उसके शरीर में कुछ कमी थी, लेकिन परमेश्वर उसे बात करता और कहता है कि अगर मैंने ये काटा तुम्हारे शरीर से निकाला तो तुम अपने प्रकाशन की बहुतायत से फूल जाओगे, आपके अंदर घमंड आ जाएगा। इसका मतलब है परमेश्वर ने पौलुस से बात किया। आपके जीवन के हर समय आप परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर परिस्थितियों के द्वारा भी आपसे बात करेगा। छठवीं बात, परमेश्वर अपने सृष्टि अर्थात अपने क्रिएशन के द्वारा हमसे बात करता है। रोमियो उसका पहला अध्याय और 20वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है। क्या देखने में आता है? उसी आयत के पहले भाग में इस प्रकार लिखा है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व दिखाई देता है। इसका मतलब है जब हम सृष्टि को देखते हैं तो हम परमेश्वर की उस महानता को देख सकते हैं। परमेश्वर हमसे बात करता है या परमेश्वर अपने गुण के द्वारा हमसे बात करता है। भजन संहिता 19 में इस प्रकार दाऊद कहता है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। तो परमेश्वर का वर्णन जो है आकाश कर रहा है। इसका मतलब है जब हम आकाश को देखते हैं, हम एक विशाल समुद्र के किनारे जाते हैं, एक पहाड़ी इलाके में जाते हैं, तो परमेश्वर का सृष्टि को देखकर परमेश्वर हमसे बात करता है कि हम परमेश्वर के सामने कितने छोटे हैं और परमेश्वर कितना महान है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमको कितना ज्यादा प्रेम करता है और परमेश्वर ने कैसे मुझे और आपको बचा लिया है। सृष्टि में देखते समय परमेश्वर हमसे बात करता है। इसके अलावा के सृष्टि में जो परमेश्वर ने जानवर बनाया है उसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। परमेश्वर ने एक गधे का इस्तेमाल करके बिलाम से बात किया। परमेश्वर ने एक मछली का इस्तेमाल करके योना के अंदर सद्बुद्धि डाला। परमेश्वर ने एक कीड़े का इस्तेमाल किया ताकि योना को अपना घमंड का एहसास हो जाए। इस प्रकार परमेश्वर जानवरों का इस्तेमाल कर लोगों से बात करता है। जब हम बाहर जाते हैं, हम चींटी को देखते हैं, उस समय हमें एहसास होना चाहिए कि बाइबल में लिखा है कि हे आलसी चींटी के पास जा। जब हम आकाश में उड़ने वाले पंछी या पक्षी को देखते हैं उस समय हमें एहसास होना चाहिए कि गौरैया कितनी छोटी चिड़िया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसका ख्याल रखता है। तो परमेश्वर कितना ज्यादा ख्याल हमारे बारे में रखता है।
परमेश्वर जो है रोने वाले कौवे के बच्चों को आहार देता है, तो परमेश्वर अपने डरवैयों का ख्याल नहीं रखेगा? जरूर परमेश्वर आपका ख्याल रखेगा। इस प्रकार जब हम सृष्टि को देखते हैं, परमेश्वर सृष्टि के द्वारा हमसे बात करता है। अब तक हमने 6 तरीके देखे जिस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। पहला था कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है, दूसरा परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है, तीसरा परमेश्वर लोगों के द्वारा बात करता है, चौथा स्वप्न और दर्शन के द्वारा, पांचवी बात परमेश्वर अपने हालातों के द्वारा हमसे बात करता है, छठवीं बात परमेश्वर सृष्टि के द्वारा हमसे बात करता है। हमें परमेश्वर को इतने में सीमित नहीं करना चाहिए। परमेश्वर हमसे किसी भी रीति से कभी भी बात कर सकता है, बस हमें तैयार रहना है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। जैसे शमूएल बालक ने परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर बोल, मैं सुनने तैयार हूँ, उसी समान हमारी रोज की प्रार्थना होना चाहिए, परमेश्वर तुम मुझसे बात कर, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। अगर ये वीडियो आपके लिए एक आशीष रहा तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें।